अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर कुछ नई लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को देकर चलूँ। पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस हवाले से कि लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी उस पर मैंने आप लोगों को अनाउंस किया था कि 1 जून से ऑनवर्ड जो स्कूल हैं वो ओपन हो रहे हैं, स्कूल एंड कॉलेज दोनों जो हैं वो ओपन करने की सजेशन थी। और इसके साथ मैंने आपसे कहा था कि 1 जून से ऑनवर्ड 15 जुलाई तक आप सबके पेपर्स भी हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि वो जो हमने न्यूज़ आपको प्रोवाइड की थी उसका भी रेफरेंस था। इवन कि आप सब में से बहुत से स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि जो फेडरल मिनिस्टर हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर, फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं शफकत महमूद साहब, इन्होंने एक न्यूज़ चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि 1 जून से हम चाहते हैं कि तमाम स्कूल्स को ओपन कर दिया जाए। इवन कि अभी लेटेस्ट जो कल हमारी जो है, मतलब कल एक मीटिंग जो है वो कॉल की गई और उस मीटिंग में कुछ फैसले भी हुए जिसके तहत आज जो न्यूज़ आई है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। यही जो है तमाम बातें, तमाम के तमाम जो सूबे हैं, जो प्रोविजनल जो आप कह लें कि एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, उनसे कही गई, उनसे बात की गई और उनसे कहा गया कि 1 जून से ऑनवर्ड स्कूल को ओपन कर दिया जाए। लेकिन फिर क्या हुआ कि पंजाब जो गवर्नमेंट है या पंजाब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने, बलूचिस्तान के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं इन्होंने और जो सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन तमाम लोगों ने इस बात की मुखालिफत की है। और खैबर पख्तूनख्वा इस बात को मान चुकी थी और जो है वो चाहती है कि भी 1 जून से ऑनवर्ड स्कूल ओपन कर दिए जाएं। इवन फेडरल बोर्ड भी, फेडरल गवर्नमेंट भी जो है ये चाहती है कि स्कूल्स को ओपन कर दिया जाए। लेकिन समहाउ कुछ ना कुछ जो है, हम कहते हैं कि जो है डिफरेंट जो प्रोविजनल एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके जो है मना करने से या समहाउ जो है उनके नफी में जो है आंसर देने से क्या हुआ कि ये जो डिसीजन था ये पेंडिंग में चला गया है। और अब ये सिनेरियो डेवलप हुआ है कि 1 जून से ऑनवर्ड आपके स्कूल और कॉलेजेस ओपन नहीं हो रहे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई न्यूज़ हमारे सामने आती है, वो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, हम उस पर आपके लिए अपडेटेड फॉर्म में वीडियो बना देते हैं और आपको अपडेट करते हैं। सो पहली जो न्यूज़ थी वो भी एक सोर्स के थ्रू थी, अब जो न्यूज़ है वो भी सोर्स के थ्रू है। सो न्यूज़ फेक नहीं होती। न्यूज़ के हवाले से हम ये नहीं कहेंगे कि हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करते, इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है, न्यूज़ जो है उसका सोर्स भी होता है और वो फेक नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं वैसे वैसे ही क्या हो रहा है कि जो डिसीजंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो भी चेंज होते जा रहे हैं। एक दिन कुछ और डिसीजन तो नेक्स्ट डे जो है, क्योंकि सिनेरियो चेंज हो जाता है, सिचुएशन मोल्ड बहुत जल्दी जल्दी कर रही है, केसेस की तादाद मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ रहे हैं। तो इसी बुनियाद पर फिर कुछ जो है खदशात होते हैं, तो जाहिर सी बात है कंसेंसस डेवलप करना होता है किसी एक डिसीजन को बनाने के लिए और उसको जो है अप्लाई करने के लिए। तो जब कंसेंसस डेवलप नहीं होता तो वही डिसीजन जो पहले लिया गया होता है उसको फिर रद्द भी कर दिया जाता है, ठीक है जी। सो जहाँ जैसे जैसे जो है हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है वैसे वैसे ही हम आपको अपडेट कर रहे होते हैं। सो अब तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक यही कि 1 जून से ऑनवर्ड अब स्कूल और कॉलेजेस को ओपन नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बात ज़रूर आप देखिएगा कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर पेपर्स के हवाले से हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई, यानी पेपर्स के हवाले से ये नहीं बताया गया कि 1 जून से 15 जुलाई तक जो पेपर्स पहले कहा गया कि होने हैं उससे मुतल्लिक ये नहीं कहा गया कि हम उसे मज़ीद डिले करेंगे या उससे मुतल्लिक जो पहला डिसीजन था वही कायम रहेगा। सो पेपर्स के हवाले से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन जो है कल शेयर नहीं की गई, लेकिन ओपन स्कूल ओपनिंग के हवाले से कल क्लियर कट कह दिया गया कि अब जो है 1 जून से ऑनवर्ड स्कूल ओपन नहीं होंगे। उम्मीद यही है कि ईद के बाद ही अब जो है स्कूल के ओपनिंग के हवाले से जो है कोई इन्फॉर्मेशन आएगी और स्कूल जो है वो ओपन होंगे। सो अपना ख्याल रखें और अपनी जो मेहनत है वो जारी रखें, क्योंकि पेपर्स जो हैं वो लाजमी होने हैं, पेपर्स कैंसिल नहीं हो रहे। सो आप लोगों ने मेहनत कर दी है ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल सकें और अच्छे से जो है आप लोग कामयाब हो सकें। बाकी ई कैट जो है हम सेशन आगाज़ कर रहे हैं 11 मई जो आने वाला कमिंग जो मंडे है, इससे ऑनवर्ड हम ई कैट का सेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस वक्त सेकेंड ईयर में हैं और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग कैंपस पे ई कैट के सेशन को भी ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।